स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पेपर हैकर में। मैं ब्रजेश सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। उम्मीद करते हैं कि न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ रहे होंगे। लोगों की टेंशन होती है कि उन्हें न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ, कहते हैं कि कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही है, ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा, जबकि न्यूमेरिकल्स में ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना। बेसिक कैलकुलेशन और फॉर्मूलेशन, बस दो चीज़ों का रोल होता है, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी न्यूमेरिकल्स में इंटरेस्ट ले रहे होंगे और आसानी से इनको कर भी रहे होंगे। तो आज हम इसका दी एंड कर देंगे इस टॉपिक का। इसके अलावा वेक्टर मल्टीप्लीकेशन पर जो भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, आज हम उनको दी एंड कर देंगे। ठीक है, कल या नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नया सीखेंगे। आज की क्लास में जो बचे हुए रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं उन पर हम नज़र डालेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, अ पैरेललोग्राम हुज वन वर्टेक्स इज एट ओरिजन। पैरेललोग्राम का मतलब होता है समांतर चतुर्भुज। एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी वन वर्टेक्स यानी उसकी जो एक भुजा है, एक शीर्ष जो है, इज एट ओरिजन, कहाँ पर है, मूल बिंदु पर है। ओरिजन का मतलब मूल बिंदु पर है। एंड अदर एडजसेंट वर्टिसेस, और जो उसकी संलग्न बाकी भुजाएं हैं, आर 2-3, 4 और 1-2-1 और 3-1 और 2 पर, यहाँ पर है, इन पॉइंट्स में है। ठीक, कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम। हमें इस पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज का हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक, तो इसका वॉल्यूम फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम वैल्यूज लिख लेते हैं जो जो हमें दी गई हैं क्वेश्चन में। सॉल्यूशन देखिए, वेक्टर ए ये पैसे पॉइंट्स के रूप में दी गई है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के रूप में। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसके साथ आई, इसके साथ जे और इसके साथ के लिख जाएगा। ये हो जाएगा 2i-3j+4k। ऐसे ही वेक्टर बी हो जाएगा आपका i+2j और माइनस का k। ठीक है, यहाँ i, यहाँ j और यहाँ पर माइनस का k। यहाँ हो जाएगा वेक्टर c इक्वल 3i-j और प्लस का 2k। ठीक है, ये वेक्टर ए बी सी की वैल्यूज आ गई। अभी क्या करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। ए और मतलब इस जो समांतर षट्फलक यानी कि जो समांतर चतुर्भुज है, इसका हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक, तो वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला जो इसका होता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल ए डॉट बी क्रॉस, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक, तो हमें क्या करना है, ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए में आई जे के कोफिशियंट क्या है। तो देखिए, इसका 2 है -3 है और 4 है। 2 है -3 है और 4 है। इसके बाद बी में देखिए, 1-2 और -1, क्लियर है। ऐसे ही सी में देखिए, 3-1 और 2। ठीक है, हमने क्या कर लिया, ए बी सी में जो भी आई जे के कोफिशियंट थे उनको हमने इसमें डिटर्मिनेंट में लिख लिया। अब बस इसका एक्सपेंशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे 2 को, इस वाले 2 को, ठीक है, बीच में माइनस माइनस लगा के इस वाले -3 को लिखेंगे। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 3। ठीक, फिर प्लस लगा के लिखेंगे 4 को, ये और ये। ठीक है, सबसे पहले हमने 2 को लिखा, तो इसको और इसको छुपा दें। ठीक है, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे, तो 2 2 जा हो गया 4। ठीक,
इसकी इससे करेंगे तो माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस लगा रहेगा। ठीक, अब इसको छुपाएंगे ऐसे करके, तो टू बन जा हो गया टू, है ना। और इसकी इससे करेंगे तो माइनस का थ्री आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ऐसे यहाँ। और इसको छुपाएंगे तो ये माइनस का वन हो जाएगा, ठीक है। और थ्री टू जा कितना हो जाएगा सिक्स, ये बात, ये माइनस का वन हो जाएगा और थ्री टू जा कितना हो जाएगा सिक्स। इसको हम सॉल्व कर देंगे, फोर माइनस वन कितना हो जाएगा थ्री, थ्री प्लस टू कितना हो जाएगा फाइव, और माइनस वन और माइनस सिक्स हो जाएगा माइनस का सेवन। ठीक, थ्री टू जा सिक्स, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, और माइनस सेवन फोर जा आ जाएगा आपका ट्वेंटी एट। कहीं पर साइन की मिस्टेक शायद हुई है, टू माइनस थ्री फोर, वन टू माइनस वन, थ्री माइनस वन टू, देखिए टू लिखेंगे तो ये टू टू जा फोर, ये माइनस का वन, फिर ये थ्री प्लस का हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, माइनस का थ्री तो प्लस का थ्री हो जाएगा फोर, ये माइनस का वन और माइनस का सिक्स, साइन तो सही है। चलिए सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा माइनस के ट्वेंटी एट। ठीक, तो फिफ्टीन प्लस सिक्स कितना हो गया ट्वेंटी वन, और माइनस का ट्वेंटी एट। ठीक, तो आपका ये आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का सेवन। ठीक है, फोर माइनस वन टू प्लस थ्री, और माइनस वन ये आपका देंगे तो ये माइनस का वन और माइनस का सिक्सटी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया आपको। सबसे पहले हमें ए डॉट बी क्रॉस सी निकालना था, तो हमने ए बी सी के कोएफिशिएंट जो भी आई जे के थे उनको लिख के उनका एक्सपेंशन कर दिया, आसानी से इसका आंसर आ गया। एक और लास्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम, क्वेश्चन है हमारा, हमें सिद्ध करना है, कह रहा है प्रूव दैट प्रूव दैट द फोर पॉइंट्स फोर आई प्लस थ्री जे प्लस के, फोर आई प्लस थ्री जे प्लस के माइनस जे प्लस के थ्री आई प्लस नाइन जे प्लस फोर के एंड फोर आई माइनस आई प्लस जे प्लस के माइनस आई प्लस जे प्लस के आर कोप्लेनर कोप्लेनर का मतलब होता है समतलीय, यानी कि हमें यह सिद्ध करना है कि जो चार पॉइंट्स हमें दिए गए हैं ये क्या है, कोप्लेनर है। ठीक, तो ये जो पॉइंट्स दिए गए इनको ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी कंसीडर कर लेंगे, ओ ए ओ बी ओ सी और ओ। ठीक है, तो ओ ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, फोर आई प्लस थ्री जे प्लस के, फोर आई प्लस थ्री जे और प्लस के। ठीक, ओ बी की वैल्यू देखिए माइनस लगा हुआ है इसमें, ठीक है, तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस के जे और माइनस के के। ओ सी की वैल्यू ये दे रखी है आपको, थ्री आई प्लस नाइन जे प्लस
फोर के, और ओडी की वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4i प्लस का 4j और प्लस का 4k। ठीक है, ये OA, OB, OC और OD की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में, या माइनस से मल्टीप्लाई कर ली और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर ली। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये कैसे हैं, कोप्लेनर। ठीक, तो ये कोप्लेनर होंगे अगर BA, BC और CD, BA, BC और CD, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इफ BA, BC, CD इक्वल टू 0, देन इट इज कोप्लेनर। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे क्या, BA, क्या फाइंड करेंगे हम, BA। ठीक है, तो BA फाइंड करने के लिए हम OA में से माइनस करेंगे किसको, OB को। ठीक, देखिए OA की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 4i प्लस 3j प्लस k, 4i प्लस 3j प्लस k। ठीक, इसमें हमें माइनस क्या करना है, OB को, OB का मान क्या है, माइनस जे माइनस के। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो ये प्लस जे और प्लस के हो जाएगा। ठीक है, 4i प्लस 3j प्लस के इसकी वैल्यू है और इसकी वैल्यू है जे प्लस के, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 4i तो ऐसे ही रहेगा, ये 3j प्लस जे हो जाएगा 4j, के प्लस के कितना हो जाएगा आपका 2k। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, BA की वैल्यू आ गई। ठीक, अब हम वैल्यू किसकी फाइंड करेंगे, BC की, तो OC में से माइनस करेंगे किसको, OB को। ठीक है, OC की वैल्यू है हमारी 3i प्लस 9j प्लस 4k, 3i प्लस 9j प्लस 4k, इसमें से OB माइनस करना है, OB की वैल्यू माइनस जे प्लस माइनस के थी, तो प्लस जे और प्लस के हो जाएगी। ठीक है, तो ये बचेगा आपका 3i, 9j प्लस जे कितना हो जाएगा 10j, 4k और ये कितना हो जाएगा 5k। ठीक है, ये BC की वैल्यू आ गई। इसी तरह से थर्ड हमें CD निकालना है, तो हम निकाल लेंगे क्या, CD, OD माइनस कर देंगे क्या, OC। ठीक है, OD की वैल्यू कितनी है, देखिए OD की वैल्यू है हमारी माइनस का 4i प्लस 4j प्लस 4k, माइनस का 4i प्लस 4j प्लस 4k। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था हमने इसको, इसमें से माइनस करना है हमें किसे, OC को, OC की वैल्यू है 3i प्लस 9j प्लस 4k, माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, 3i माइनस 9j माइनस के 4k। क्लियर है बात, ये माइनस करेंगे तो आगे के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, तो ये आपका बचेगा कितना, माइनस का 7i। ठीक है, 4k से 4k जो है वो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का 4j माइनस 9j कितना बचेगा, माइनस के 5j। ठीक है, ये वैल्यू आ गई किसकी, हमारी CD। ठीक, अब हमें क्या फाइंड करना है, देखिए क्या क्या निकाला हमने, BA, BC और CD, BA, BC और CD। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, आई जे के नहीं लेंगे इसमें, क्योंकि 3 का निकल रहा है ये। तो सबसे पहले क्या है, BA, ठीक है, BA क्या आया था हमारा, 4i प्लस 4j प्लस 2k, तो 4 और 2, इसके कोफिशियंट क्या आएंगे, 4 और 2। ठीक है, इसके कितने आए थे, दूसरे वाले के, दूसरे के आए थे 3, 10 और 5, 3, 10 और 5, और थर्ड के आए हमारे माइनस के 7,
ठीक है, और माइनस के 5 और इसका आया 0, क्योंकि के वाला ऑप्शन इसमें नहीं। तो अब इसका एक्सपेंशन करेंगे, 4 लिखेंगे पहले, माइनस ये वाला 4 लिखेंगे, प्लस ये वाला 2 लिखेंगे, ठीक है। 4 को छुपाएंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी, तो यहाँ तो आ जाएगा 0, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस का 25 आएगी, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 25। क्लियर है? इसको छुपाएंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी माइनस के 35, तो यहाँ हो जाएगा प्लस के 35। इसको छुपाएंगे, ये हो जाएगा माइनस के 15, ठीक, और ये हो जाएगा माइनस के 70, तो ये हो जाएगा प्लस का 70, ठीक है। फिर चेंज करते हैं, देखिए 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 100, ठीक। 35 बचा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 टू जा 170 होता है, 70 टू जा कितना हो जाएगा आपका 140, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कितना, प्लस 140, ठीक है, सॉरी माइनस का, ठीक। इसके बाद यहाँ से बचेगा आपका, देखिए कितना बचेगा, 70 माइनस 15 आपका बचेगा 55, है ना, 55 बचेगा, 55 और 5 60 और 10 70, 55 बचेगा, 55 टू जा कितना हो जाएगा 110, कितना हो जाएगा, ठीक। तो एक यहाँ पर थोड़ी सी कहीं पर मिस्टेक हुई है शायद, 410 और माइनस का 5462, इसकी वैल्यू कहीं पर गड़बड़ हुई है, BA की वैल्यू जो है 4i प्लस 6j, आई प्लस 6j, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है इसमें, क्वेश्चन कुछ मिस्टेक है ये,